आपके यहाँ टोना टोटका तंत्र मंत्र बहुत हुआ आपके डीएनए में। मुझे सपना में हर एक चीज आता है, उसका आभूति होता है, मेरा शरीर में कंपन आता है और वो किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से या पूर्व जन्म का मेरा कोई फल है या। खुश रहो बेटा, नेपाल जिंदाबाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके यहाँ तमाम रोग कष्ट है ना, आपके यहाँ टोना टोटका तंत्र मंत्र बहुत हुआ आपके डीएनए में। उस और हर प्रकार के तंत्र में मारण हुए हैं, तमाम गंदगी हुई है, तमाम मोहन वशीकरण सभी कुछ हुआ, कुछ छोड़ा नहीं गया है, उच्चाटन सब कुछ हुआ है, उसके कारण समस्याएं आपके यहाँ ज़्यादा आई। आपके यहाँ तमाम रोग और कष्ट थे, जो नकारात्मक स्मृतियाँ थी रोगी, वो ये सब था। ये जो हटाया गया है, नष्ट नष्ट किया गया है, ये रोगों का जड़, इसको देख सकते हैं आप, ये सब था आपके यहाँ, आप लोगों में, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हाँ जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, ऐसे तमाम रोग कष्ट बहुत ज़्यादा ऐसे सब देख सकते हैं। और इस बच्चे को ग्लूकोमा नहीं है, अक्सर ग्लूकोमा की स्मृतियां रहती हैं, तो ये कैंसर बन रहा है आंखों में। जी गुरुदेव, अंदर पक रहा है, नसें नर्वस सिस्टम सूखा नहीं है, पक रहा है अंदर, तो अभी दरबार ने वो सारा उसको नष्ट किया है स्मृति। लीवर में इसको हुआ है पहले, इसको सबसे पहले लीवर में प्रॉब्लम हुई है, फिर जिभ्या में आया है, फिर गले में आया है, जी गुरुदेव, इसके बाद आंखों में गया है, ऐसे ट्रैक बना हुआ है कैंसर का इसको। ये सब प्रॉब्लम इसको हुई होंगी, बताया होगा इसने, बता इसको महसूस होता है। हाँ, बताए 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। खुश हो, खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए बेटा। तो ऐसे जैसे कष्ट बताया जा रहा है, ऐसे हुआ आपको? जी जी जी। आपको ऑटो इम्यून हुआ, इसीलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहता था। तो सब अच्छे होने की स्थिति में है ना, आपको आराम मिलेगा बहुत तेज़ी से। आज से रोशनी जो नीचे गिर रही थी, कम होती जा रही थी, आज से रुक गई, अब गिरेगी नहीं, अब जो होगा अब होगा। हाँ हाँ, तो सब अच्छा अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। दरबार से आप जुड़े हैं इसलिए अच्छा होना ही होना है। सब नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, जो असाध्य रोग हैं, अभी जब आप एक महावन दरबार आपको कराएगा, एक दिवसीय अनुष्ठान है वो, निःशुल्क है दरबार की ओर से, तो उससे असाध्य रोग बहुत और तेज़ी से उनकी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। ठीक है जी गुरुदेव। गुरुदेव, हमें दीक्षा भी लेना इस पूर्णिमा में, और आइए 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 आइए, बिल्कुल आइए। छोटा रिक्वेस्ट था गुरुदेव। हाँ, जब मैंने घर में मकान बनाया था गुरुदेव, उसमें से पूर्व दिशा में नागदेव का चिन्ह था, उत्तर दिशा में गरुड़ का चिन्ह था, दक्षिण दिशा में शेर का चिन्ह था। जब मैंने घर में दो ढलान किया था गुरुदेव, जब शाम को ढलान करके हम गए थे घर पे, तो जब सुबह आए थे घर में, क्या चीज़ है गुरुदेव? और मुझे सपना में हर एक चीज़ आता है, उसका आभूति होता है, मेरा शरीर में कंपन आता है और वो किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से या पूर्व जन्म का मेरा कोई फल है या भगवान शिव और माता का, तो मैं साधना करता हूँ, जप तप करता हूँ, ध्यान करता हूँ। आपके पूर्व बहुत कष्ट में थे। हाँ जी जी गुरुदेव। अब जाके उनको मुक्ति मिली है, वो भी तमाम तंत्र में बंधे हुए थे, अपना वो हमेशा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते थे, अपने को दिखाने की कोशिश करते थे कि हम हैं, मुक्ति दिलाइए, मुक्ति चाहिए, फंसे हुए ना, तो वो सब गए, ठीक है ना, और तमाम गलत योनि में फंस गए थे वो, इस तरह की योनि में। जी गुरुदेव। तो अब वो सब गए, सब गंदगी गई, कुछ नहीं बचा आप गंदगी, ठीक है? तो अब आप सब अच्छे रहें हमेशा, बस एक महावन दरबार की ओर से करना, आप सबको खुश हो, प्रसन्न रहो, खूब खुश।
खूब खुश है। इसकी इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी इस बच्चे की, इसको ग्लूकोमा। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव आपके चरण कमल में कोटि-कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, सब मस्त रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव आपके चरण में कोटि-कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। आपने हमें यहाँ पर बुलाया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा बहुत कष्ट था, वो निकल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न हो बेटा, सब कष्ट गए, कुछ शेष नहीं।